गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको सबको गुड मॉर्निंग, उनको भी गुड मॉर्निंग जो अभी अभी आँख खोले हैं, बिस्तर से उठे हैं, चाय मंगवा रहे हैं, उन सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। शुभ प्रभात होता है, ये तो बहुत खतरनाक अंग्रेजी में बता रहे, इतना किसी को पता भी नहीं होगा कि गुड मॉर्निंग माने क्या होता है। खैर, सबको गुड मॉर्निंग। पेन था यहीं पे, नहीं होगा कहीं। देखिए, हम लोग एनालॉजी यानी सादृश्यता पढ़ रहे थे। सादृश्यता के अब लगभग हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सादृश्यता के बारे में हमने बताया था कि जब कभी भी दो शब्द होते हैं और वो दो शब्दों के बीच में कुछ संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे के जैसा लगना सादृश्यता कहलाता है, वही संबंध अन्य दूसरे के बीच भी होना चाहिए। ये जो संबंध है यह तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये शब्दों के सादृश्यता हो सकती है, ये अक्षरों के सादृश्यता हो सकती है, ये अंकों के सादृश्यता हो सकती है, और नॉन वर्बल यानी चित्रों की भी सादृश्यता हो सकती है। यह अलग अलग तरीके से प्रश्न को पूछता है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में प्रश्न को पूछता है। ठीक है, अभी हम लोग जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हुए थे वो हम लोग पढ़े हुए थे शब्दों के सादृश्यता, और शब्दों के सादृश्यता में हिंदी के प्रश्नों को देखे थे। इसके बाद हम लोग अक्षरों के सादृश्यता में ये देखे थे कि किस तरीके से जो अक्षर है वह एक दूसरे से संबंधित है और उस पर प्रश्न किस प्रकार से बनता है। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं, और तीसरा हमारा है इंग्लिश का वर्ड एनालॉजी। दोस्तों, यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को उठाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इस बात का हम ध्यान देंगे, और ध्यान देते हुए प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आप लोगों को कितना इंग्लिश आता है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग का कमाल है। अगर इंग्लिश मीनिंग आएगा तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, यदि आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं आएगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी इंग्लिश का आना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे चूंकि हमें प्रश्न पे एक नंबर दो नंबर लेना है, वो चाहे किसी भी टाइप का प्रश्न हो, हमें एज फॉर एज जितना हो सके पॉसिबल वो लेना है। तो हम सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इंग्लिश वाला। ठीक है, अपने अंदर ये भावना रखे रहिए कि आपसे बड़ा कोई इंग्लिश जानकार है नहीं। अलग बात है कि हो सकता है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं चल रही है, इसलिए ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा तो अगले वाले प्रश्न को करिएगा। हो सकता है उसमें भी ऐसी स्थिति आए कि आप ना कर पाए, तो सोचिएगा इंग्लिश हमारी बहुत मजबूत है, अगला वाला कर लेंगे, लेकिन कभी निगेटिव मत सोचिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा बेस्ट फॉर द बेस्ट। हमारा है आर्क का जो संबंध सर्किल से है वो अन्य में से क्या है? भाई ये इंग्लिश 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 है, तो इंग्लिश 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 है। इसमें सबसे पहले हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि आर्क का संबंध सर्किल से है, तो आर्क क्या होता है, सर्किल क्या होता है, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में आपको इंग्लिश की मीनिंग ही समझानी पड़ेगी, और वह मीनिंग आपको भी याद रखना पड़ेगा ठीक है, देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो आर्क क्या होता है, आर्क का मतलब होता है चाप, आर्क का मतलब होता है चाप, और सर्किल का मतलब होता है वृत्त। ठीक है, सर्किल का मतलब होता है वृत्त। तो हमें हल क्या करना है भाई, हमें हल ये करना है कि यदि चाप है तो चाप को जब हम पूरा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या एंगल को पूरा करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, टेंजेंट यानी स्पर्श को करने पर परिधि बन जाएगा, सेगमेंट यानी खंड को करने पर क्यूब घन बन जाएगा, या लाइन जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। ये लाइन है, इसको पूरा घुमाएंगे तो चारों तरफ तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम आर्क को लिए यानी चाप को लिए तो चाप को घुमाए तो क्या बन गया, वृत्त बन गया। उसी तरीके से लाइन को जब हम पूरा घुमाएंगे 360 पे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर यानी वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी वाला
सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बमबारी टाइप का है, ऐसा लगेगा कि परमाणु बम गिर गया है, ठीक है, बट डोंट वरी, यहाँ जापान का हिरोशिमा और नागासाकी नहीं है। सीधे हम आते हैं कि एलिवेटेड रिलेटेड टू एग्जॉल्टेड, लग रहा अंग्रेजी का क्लास चल रहा है। एलिवेटेड का जो संबंध एग्जॉल्टेड का है, क्या डर्टी का वो संबंध फ्लीथी का? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, एक मीनिंग बस खोजिए आप, एक मीनिंग, वो एक मीनिंग क्या है? एलिवेट। अगर एलिवेट का मतलब पता है तो एग्जॉल्टेड का मतलब भी पता होना चाहिए। तो एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, एलिवेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, एग्जॉल्टेड का मतलब भी होता है बढ़ाना, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक इसी तरीके से डर्टी का मतलब होता है गंदा, और फिल्थी का मतलब भी होता है गंदा, तो इसका भी मीनिंग क्या होगा? डर्टी का, फिल्थी, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। कैनवास का जो संबंध पेंटर से है, वो क्या लेदर का शू से है, ब्रश का पैलेट से है, सीजल का वुड का है, या मार्बल का स्कल्पचर से है, किससे होगा? देखिए, जो पेंटर है वो अपनी पेंटिंग कैनवास पे करता है, पेंटर अपनी पेंटिंग कैनवास पे करता है, जबकि जो स्कल्पचर है वो अपनी पेंटिंग मार्बल पे करता है, यानी मार्बल पे जो डिजाइन बनती है उस डिजाइन बनाने वाले को स्कल्पचर कहते हैं, जबकि कैनवास पे जो डिजाइन बनाता है उसको हम पेंटर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड, डी वाला होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बोन्स का जो संबंध लिगामेंट से है, बोन्स का जो संबंध लिगामेंट से है, वह संबंध किससे? मसल्स का टेंडन से है, नी का ज्वाइंट से है, फैट का सेल से है, या ब्रेक का स्ट्रेस से है? जल्दी बताइए, बोन्स का जो संबंध लिगामेंट से, बोन्स का मतलब होती है हड्डी, ठीक है, अस्थि, और लिगामेंट का मतलब होता है उपास्थि। जैसे ये नाक भी हमारी हड्डी है ना, लेकिन ये बोन्स नहीं है क्योंकि एकदम कड़ी नहीं है, इधर उधर घूम जा रही है, तो ये क्या है? लिगामेंट है। ये क्या है? लिगामेंट है, ठीक है, तो जो फोल्ड हो सकते हैं, घूम सकते हैं, वो सब लिगामेंट होते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो बोन्स होते हैं, हड्डी होते हैं। तो ये अस्थि और उपास्थि के बीच का संबंध है, ठीक, इसका मतलब बोन्स को जोड़ने वाले को कहते हैं लिगामेंट। ठीक उसी तरीके से मसल्स को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं, मसल्स को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। ठीक है, अब बोन्स है, लिगामेंट हो गया। अच्छा देखिए, जैसे दो हड्डी है ना, सॉरी हमने आपको गलत बताया, कार्टिलेज की हमने बारे में बात कर दी, उपास्थि कार्टिलेज होता है, ठीक है, ये कार्टिलेज होता है। लिगामेंट क्या होता है? ये लिगामेंट ऐसी चीज है जो मेरी जिंदगी एकदम अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया ये लिगामेंट। लिगामेंट ऐसे होता है कि ये मान लीजिए कोई हड्डी है, और मान लीजिए फिंगर की आपकी दो हड्डियां हैं, ठीक है, ये अंगुली के बीच में दो अंगुली है, ये वाली हड्डी इसको इससे जोड़ा रहेगा, इसको इससे जोड़ा रहेगा, तो ये जो हिस्सा होता है, जो जोड़ने वाला रस्सी होता है, इसी रस्सी को बोलते हैं लिगामेंट, इसी रस्सी को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर क्या होगा, एक ये हड्डी होगी, ये दूसरी हड्डी होगी, इससे जो जोड़ा रहता है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा, लिगामेंट कहते हैं ये जो है, ठीक है, तो मेरी फिंगर जो है वो अभी देखे होंगे इस तरीके से टेढ़ी होगी, तो टेढ़ी ये इसलिए है क्योंकि इसका लिगामेंट टूट गया था वॉलीबॉल खेलते टाइम, ठीक है, हम सेंटर खेलते थे, डिफेंस करते टाइम नीचे की ओर लग गया, और लगा तो इसका लिगामेंट टूट गया, जब लिगामेंट टूट गया तो इसकी सर्जरी हुई लिगामेंट ठीक करने, क्योंकि लिगामेंट टूट के इसके बीच में घुस गया। अब धीरे धीरे ये नुकसान कर जाता है, तो हम हैदराबाद में लगभग लाख रुपए लगा, सर्जरी हुई, सर्जरी पे भी ये फोल्ड नहीं हो पा रहा था, दर्द कर रहा था, फिर डबल सर्जरी हुई, दूसरे साइड से मेरी सर्जरी हुई हाथ की, फिर भी ये ठीक नहीं हो पाया क्योंकि नेचुरल होता है, तो अभी भी मेरी उंगली पूरी तरीके से फोल्ड नहीं कर पाती है, टेढ़ी रहती है। अब टेढ़ी रहती है तो मुझे ये सीख मिली कि जब कभी भी जिंदगी में काम सीधे उंगली से ना हो तो टेढ़े उंगली से होता है, तो टेढ़ी है, कोई फर्क नहीं, बी पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। बोन्स का लिगामेंट तो उसी तरीके से मसल्स को जोड़े रहता है टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। मेडिसिन का जो संबंध साइंस से होता है,
मेडिसिन का जो संबंध साइंस से होता है वह संबंध किससे होगा? देखो, विज्ञान के अंतर्गत दवाएं आती हैं। क्या है भाई? विज्ञान के अंतर्गत दवाएं आती हैं, ठीक है। उसी तरीके से फादर के अंतर्गत बेटी होती? नहीं। कॉलेज के अंतर्गत स्कूल होता है? नहीं। एस्प्रिन के अंदर पेंसिलिन होता है? नहीं। दोनों दवाइये है, एस्प्रिन और पेंसिलिन दोनों दवा के नाम है, ये नहीं हो सकता है। आंसर डी होगा, सब्जी के अंतर्गत टमाटर आता है, ठीक है जी। नहीं बारुल, पेंसिलिन गलत है, पेनिसिलिन दवा का नाम है, एस्प्रिन भी दवा का नाम है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत नहीं आता है, टोमेटो का वेजिटेबल्स होगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे क्यों चलते हैं, समझ में आ गया होगा सबको आई थिंक। आगे चलते हैं कि म्यूजिशियन का जो संबंध कंजर्वेटरी से है वही संबंध निम्न में से किससे होगा, ठीक है। म्यूजिशियन का जो संबंध कंजर्वेटरी से है, तो म्यूजिशियन का जो हथियार होता है वो कंजर्वेटरी होता है, जो जिसमें उसे रखा जाता है। कारपेंटर का जो हथियार होता है वो सॉ होता है, सॉ का मतलब होता है आरी, सा का मतलब होता है आरी। सा में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे यहां तो आप लोग कंफ्यूज मत होगा, ये सा अलग है, ठीक है। सी सा, सीन वाला सा नहीं है, सेकंड फॉर्म वो अलग है। यहां पर मैटर क्या है भाई? यहां पर मैटर ये है कि एक देखिए होता है सी, एक होता है वॉच, ठीक है, एक होता है लुक, एक होता है ग्लेयर, एक होता है ग्लैंस, एक होता है स्टेयर, ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो मीनिंग लिखवाते चले जाएंगे तो लिखवाते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हम रीजनिंग के क्लास में चल रहे हैं। सी नॉर्मली कुछ हमें दिख जा रहा है, ये सी है, हम चल रहे हैं, हम नहीं देखना चाह रहे हैं सड़क को दिख गया, हम नहीं देखना चाह रहे हैं ट्रक को दिख गया, ये सी है। लेकिन हम ध्यान से ट्रक को देख रहे हैं, ये लुक हो गया, लुक एट द वर्ल्ड, लेकिन देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ये वॉच हो गया। इसीलिए वॉचमैन होता है जो रात में देखता भी रहता है, समझता भी रहता है, निगरानी करता रहता है, वो वॉच हो जाता है। लेकिन उसी में यदि हम गुस्से में एकदम देखने लगते हैं, ग्लेयर हो जाता है, एकदम घूरने लगते हैं तो स्टेयर हो जाता है। बहुत सी मीनिंग इसमें बनती चली जाती है। खैर, हम उस पर मीनिंग पे नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं आरी की। ईसा क्या है? यहाँ आरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैनेजर का जो संबंध ऑफिस से होता है वही संबंध किससे है भाई? लो भाई, व्हाट इज द बतिया? बतिया है मैनेजर और ऑफिस। तो बताओ, ऑफिस में मुख्य कौन होता है? ऑफिस की रखवाली करने वाला मैनेजर होता है ना। ऑफिस की रखवाली करने वाला कौन होता है? मैनेजर होता है। उसी तरीके से क्या डॉक्टर की रखवाली करने वाला पेशेंट होता है? नहीं होगा। क्या बैंक की रखवाली करने के लिए अकाउंटेंट होता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या फ्रूट का सीड यानी बीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यूरेटर होता है, क्यूरेटर म्यूजियम का रखवाला होता है, क्यूरेटर म्यूजियम का रखवाला होता है, इसलिए हमारा आंसर बी वाला होगा, बी वाला होगा अखिल, ठीक है, बी वाला होगा। दैट्स अ गुड, वेरी गुड। आप लोग, अब लग रहा है कि हमसे भी आगे निकल जाएंगे, होना भी चाहिए, लड़के सर्वज्ञ होते हैं, हम लोग तो विशेषज्ञ होते हैं। इंक का जो संबंध पेन से है वह संबंध किससे है भाई, बताइए। पहले इंक और पेन के बीच का संबंध हम ज्ञात कर लें कि पेन जो चलती है वो किससे चलती है? इंक से, यानी पेन में इंक का होना जरूरी होता है, ठीक है, पेन में इंक का होना जरूरी होता है, पेन इंक के माध्यम से ही चलती है। उसी तरीके से क्या होगा? वाटर का रिवर होगा, सिरप का जूस होगा, ब्लड का बॉडी होगा, ठीक है। तो बॉडी केवल ब्लड से थोड़े चलती है, केवल ब्लड से थोड़े चलता है, सी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? कम्युनिकेशन जो होता है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही हो पाता है। कम्युनिकेशन का मतलब संपर्क, आपसे अगर हम आपसे ऑनलाइन है, ये कैसे ऑनलाइन है? ये सैटेलाइट के माध्यम से ही तो है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी वाला इसका आंसर होगा। दैट्स अ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि प्लेटफॉर्म ट्रेन, तो एरोप्लेन एरोड्रोम, होटल जोरिस्ट, क्वे
शिप फुटपाथ ट्रेवलर। मुझे लगता है कि ऐसे सवालों का जवाब जो हमें मीनिंग समझ में आती है वही वाला दे देते हैं, या तो ऐसा दूसरा पॉइंट होता है कि जो नहीं समझ में आता है वही वाला दे देते हैं। ठीक है, दो ही तरीके से प्रश्नों के जवाब लोग देते हैं, या तो समझ में आता है ठीक, या तो नहीं समझ में आता है कि वाला ना समझ में, यही वाला होगा। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ट्रेन कहाँ खड़ी होती है? प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, तो एरोप्लेन कहाँ खड़ा होता है भाई? एरोप्लेन हैंगर में खड़ा होता है। हैंगर यानी इसकी स्पेलिंग होती है HANGAR, हैंगर। एक और हैंगर होता है जो आपके घर पे होगा, GER होता है वो। ठीक है, कपड़े वाला हैंगर, टांगना। यहाँ हैंगर में खड़ा होता है, लेकिन ये दिया है एरोड्रोम। एरोड्रोम बिल्कुल अलग है भाई। एरोड्रोम जो हवाई जहाज में किनारे किनारे लगा रहता है ना पंखा, ये एरोड्रोम। ठीक है, एरोड्रोम नहीं होगा तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। होटल का जोरिस्ट ये भी नहीं होगा। फुटपाथ का ट्रेवलर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी वाला, जो पानी वाली जहाज शिप है ये क्वे पे खड़ी होती है, यानी जहाँ खड़ी होती है पानी वाली जहाज उसको हम क्वे बोलते हैं। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही पानी वाली जहाज क्वे पर होती है। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड। सबका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका सही आंसर आ रहा है। अगला है, रन का जो संबंध रेस से है, रन का जो संबंध रेस से है, अगला तो बताइए फिर उसका संबंध किससे होगा। रन का संबंध रेस से है, दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं तेज दौड़ते हैं, उसी का ऑर्गेनाइजेशन कर देता है तो रेस हो जाती है ना। एक आदमी दौड़ रहा है तो रन कर रहा है, दो आदमी दौड़ रहे हैं रन कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे का रन करते हुए देखते हुए भाग रहे हैं, तो इसका मतलब रेस कर रहे हैं, है ना। तो ये आपस में कंपटीशन करने लगेंगे तो रेस होगा, तो रन जब होगा तो वो रेस में बदलता है आगे। उसी तरीके से पार्टी क्या होती है? डांस। स्टडी बुक, लेक्चर स्टडी, क्या होगा इसका आंसर? पार्टी डांस में बिल्कुल नहीं, डांस वाले निराश हो जाएं। लेक्चर स्टडी में, लेक्चर स्टडी में बिल्कुल नहीं, ये रन और रेस से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। स्टडी बुक में बिल्कुल नहीं, इसका ये आंसर नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, दैट्स वेरी गुड। रेक्टेंगल पेंटागन, पेंटागन कहीं की पेंटाजन भी बोलते हैं भाई। रेक्टेंगल क्या होता है? चतुर्भुज की आयत। अरे चतुर्भुज आयत एक ही बात नहीं, चार भुजाएं हो गई। यहां रेक्टेंगल क्या है? आयत है। तो अगर चार भुजाएं होती हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है, और जब पांच भुजाएं हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? पेंटागन हो जाता है, है ना। पांच भुजाएं होती हैं तो क्या होता है? पेंटागन हो जाता है। तो अब देखो, चार से क्या हो गया? पांच हुआ, पेंटागन हो गया। क्या किया है? एक भुजा बढ़ा दिया है, एक भुजा बढ़ा दिया है। उसी तरीके से चेक करिए किसमें एक भुजा बढ़ा रहा है। साइड का एंगल तो अलग चीज है, भुजा बढ़ने की बात ही नहीं हो रही है। डायगोनल का पैरिमीटर, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, पैरिमीटर का मतलब होता है परिमिति, इससे संबंध नहीं है। ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। और रेक्टेंगल में कितने होते हैं? चार। एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, यानी आंसर हमारा कौन होगा? सी वाला होगा। बिल्कुल सबका सही जवाब है, सही जवाब है सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन का जो संबंध कोर्ट से है, वही संबंध निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है? बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? बैडमिंटन खोला जाता है कोर्ट में। ठीक है, बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में। ठीक है, जो बनाया जाता है बीच में जाली लगा रहेगा, है ना, इधर से साइना नेहवाल खेलेगी, पीवी सिंधु खेलेंगे। तो ये जो है बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट में, तो क्रिकेट खेला जाता है बैट में, ये तो हो नहीं सकता, यानी बी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फुटबॉल खेला जाता है गोल में, ये मतलब भी हो नहीं हो सकता, क्योंकि फुटबॉल जब वो कहाँ खेला जाएगा? फील्ड में खेला जाएगा, है ना। हॉकी खेला जाएगा स्टिक में, ये भी नहीं होगा। हॉकी स्टिक से खेला जाता है, क्रिकेट बैट से खेला जाता है, फुटबॉल से गोल किया जाता है, ये तीन ऑप्शन नहीं होगा। है क्या चौथा? हमने कहा हो सकता है तीन आपको आ रहा हो, चौथा आपको नहीं आ रहा हो, जो नहीं आ रहा हो वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी स्केटिंग कहाँ होता है? रिंक में होता है। स्केटिंग का मतलब वो जो है स्केट
स्केटिंग भी होती है, ठीक है। तो आइस स्केटिंग में बर्फ पर देखे होंगे वो स्लाइड करते हैं, दो ठो ऐसे ऐसे लेते हैं, ठीक है, वो आइस स्केटिंग हो जाता है। और एक पहिया वाला जूता होता है ना, उससे यूं यूं करके चलते हैं, वो भी स्केटिंग होता है। तो वो स्केटिंग कहाँ होता है? रिंक पर होता है, ठीक है। व्हाट आर यू सोचिंग अंशु गुप्ता? डोंट सोचिंग। चलिए आगे देखिए, अगला है मैन का जो संबंध ह्यूमैनिटी से है, मैन का जो संबंध ह्यूमैनिटी है, मैन का मतलब हो गया मानव, ह्यूमैनिटी का मतलब हो गया मानवता, यानी मानवता के मनुष्य के अंदर क्या भावना होगी? मानवता की भावना होगी। ठीक उसी तरीके से क्या होगा, मनुष्य के अंदर मानवता की भावना होगी तो फूल के अंदर खुशबू होगा, ये चीज होगी। ये भी क्या होगा, ये देखो फ्लावर जातिवाचक, ये भाववाचक, है ना। तो फ्रेग्रेंस आएगा, एब्स्ट्रैक्ट टर्म आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा इसका आंसर बी वाला, ठीक है, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जितने लोग हैं जल्दी से लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब थोड़ा सा है आसान वाला, इंक्यूबेटर का इन्फेंट होगा तो अगला क्या होगा, संबंध जल्दी से बताइए। इंक्यूबेटर का इन्फेंट से, अब इन्फेंट पता होना चाहिए, इंक्यूबेटर पता होना चाहिए, और तो और कितनी मीनिंग हमको याद होनी चाहिए? दो मीनिंग। ये चार दुनी आठ मीनिंग, आठ दो दस, दस मीनिंग या तो आपको पता हो या तो चार मीनिंग पता हो। दस इसलिए क्योंकि पता कर ले कि बाकी सब भी क्या है, और चार इसलिए कि जो सही है बस वही पता रहे, ठीक है। अब दोनों में से जो माध्यम है उसके माध्यम से लगाइए। इनक्यूबेटर जो इन्फेंट होता है, जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु को इन्फेंट कहते हैं, और इन्फेंट को जिसमें रखा जाता है वो इनक्यूबेटर होता है, यानी इन्फेंट जिस जो बनता है जिसमें बनता है वो इनक्यूबेटर होता है। उसी तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी माने मधुमक्खी और हाइव माने छत्ता होता है, यानी ऑप्शन सी वाला होगा। दैट्स गुड। नहीं, डी वाला नहीं होगा, ठीक है। यही तो खासियत है कि जब नहीं आता है तो सब सही लगता है, या तो ढेर आता है तब सही लगता है। अब आप लोग किसमें हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। जो ऐसे ग्राफ चलता है, ऐसे होता है, ये पागल हैं, जितने दुनिया में पागल हैं वो ऐसे होते हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, ये बीच वाले हैं। आप किसमें हैं, ठीक है, आप किसमें हैं ये ध्यान दीजिए। इससे ये सिद्ध होता है जो पागल होते हैं वही क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो जब तक अपने अंदर पागलपन ला देंगे ना, पास से पाने के लिए, गल से गतिशील, ल से लक्ष्य की ओर, जब आप अपने लक्ष्य की ओर पाने के लिए पूरी तरीके से गतिशील हो जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। और जो पागल होगा वही आगे इंटेलिजेंट हो जाएगा। पागल लोग साइंटिस्ट नहीं होते हैं, साइंटिस्ट पागल होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, गोल्ड का जो संबंध सॉवरेन से होता है, गोल्ड का जो संबंध सॉवरेन से होता है, अगला बताइए क्या होगा। भाई देखिए, सॉवरेन का मतलब एक तो होता है प्रभुता, संप्रभुत्व, दूसरा ये होता है सोने का सिक्का, सोने के सिक्के। तो यहां पर ये देखिए, गोल्ड से यानी सोना से क्या बन रहा है, सोने के सिक्के बन रहा है। तो उसी तरीके से वून से क्या बनता है, स्वेटर बनता है, ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सक्सेस का जो संबंध फेलर से है, सक्सेस का जो संबंध फेलर से है, बताइए भाई क्या दिख रहा है, क्या समझ लग रहा है। सक्सेस हो गया सफल हो गया, फेल हो गए उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो सक्सेस का संबंध फेल से है तो उसी तरीके से अपोजिट खोजिए क्या होगा। अपोजिट क्या होगा भाई, हैप्पी का सैड, खुश का, ठीक है जी। नहीं, प्रॉफिट का शेयर कैसे हो गया, प्रॉफिट का लॉस ना होगा, प्रॉफिट का लॉस ना होगा, ठीक है, प्लेइंग का स्लिपिंग ना होगा,
डिसअपॉइंटमेंट का हैप्पी होगा ना, डिसअपॉइंटमेंट मतलब दुखी होना होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एफर्ट का सक्सेस से जो संबंध है, एफर्ट का सक्सेस से जो संबंध है वह निम्न में से प्ले का क्रिकेट, हेल्दी का विटामिन, क्लाइंब का माउंटेन या रीडिंग का नॉलेज संबंध हो सकता है। देखिए, जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे सक्सेस की संभावना बनेगी, यानी प्रयास से सफलता मिलती है। एफर्ट माने प्रयास, प्रयास से क्या मिलती है? सफलता मिलती है। उसी तरीके से पढ़ने से क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला। ठीक है, एफर्ट यानी प्रयास से सफलता मिलती है तो पढ़ने से ज्ञान मिलता है। डी वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न चलते हैं। एजेंडा का संबंध जो मीटिंग से है, एजेंडा का जो संबंध मीटिंग से है, बताइए, प्रोग्राम का फंक्शन से, परफॉर्मेंस का टिकट से, मैप का स्केल से या फुट नोट का आर्टिकल से? जल्दी बताइए। ये आ रहा है। अच्छा, एजेंडा का जो संबंध मीटिंग से, प्रोग्राम का फंक्शन से, परफॉर्मेंस का टिकट से, मैप का स्केल से, फुट। मीटिंग में एजेंडा रखे जाते हैं। जब मीटिंग होती है, मीटिंग में एजेंडा होता है मीटिंग का। ठीक है, उसी तरीके से फंक्शन में प्रोग्राम होता है। ठीक है, फंक्शन में प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर होगा ए वाला। आगे चलते हैं। कूल कोल्ड, कूल कोल्ड, अगला क्या होगा बताइए? किस तरीके से संबंध है? कहिए भाई, कूल कोल्ड। हाँ, वही वही होता है, कूल का कोल्ड। बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। हमें पता है कि आप लोग आंसर बताने में काफी एक्सपर्ट आदमी हैं, काफी एक्सपर्ट आदमी हैं आप लोग। कूल और कोल्ड एक ही बात है, ठंडा, समानार्थी शब्द है। उसी तरीके से प्रेटी ब्यूटीफुल एक ही चीज है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, इसका आंसर डी वाला होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रोसेनियम का स्टेज होगा, प्रोसेनियम का स्टेज होगा तो बताइए कि निम्न में से क्या संबंध हो सकता है? क्या संबंध हो सकता है भाई, जल्दी बताइएंगे इसका क्या संबंध हो सकता है? जल्दी बताइए। जो स्टेज का अगला हिस्सा होता है पॉइंट का, उसे प्रोसेनियम कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो घर का अगला हिस्सा होता है उसको पॉर्टिको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से घर का अगला हिस्सा पॉर्टिको बोलते हैं। दैट्स गुड। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भूख प्यास से संबंध। थर्स्ट का संबंध वाटर से है, तो थर्स्ट का मतलब होता है प्यास और वाटर का मतलब पानी। तो एपेटाइट का संबंध मील से, पॉइजन का डेथ से, आइस का कोल्ड से, सन का एनर्जी से। रीजनिंग में भी नहीं होता है सान्या, रीजनिंग में भी नहीं होता है, रीजनिंग में एग्जैक्ट आंसर होता है। अगर भी होता तो आर करके बताता ना। हम लोग जानते हैं ज्यादा लोग जहर खा के मर जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जहर खा के मरने वाला इसका आंसर नहीं है, अधिक जानकारी के लिए बता दें। अब बताइए, जहर खा के मरने वाला इसका आंसर नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, प्यास बुझती है पानी से। ये क्या है? प्यास है और ये पानी है, तो प्यास बुझती है पानी से तो भूख मिटती है खाने से। अब यहां पर बात है कि भूख कहाँ है? भूख है एपेटाइट। एपेटाइट का अंग्रेजी में मतलब, हिंदी में मतलब होता है भूख, और मील माने होता है खाना।
तो भूख किससे मिटेगा? खाने से मिटेगा। इसका आंसर ए वाला होगा। ठीक है, ज्ञान लो तो पूरा लो, ज्ञान लो तो पूरा लो। समझ में आ गया? यहाँ पर हमको इस चैप्टर से क्या सीख मिली? इस चैप्टर से हमें सीख ये मिली कि जी लो चाहे मर लो, अंग्रेजी तो जरूरी है। भले अंग्रेजी विषय में ना जरूरी हो, फार्म भरते टाइम जरूरी है, रीजनिंग में जरूरी है, कोडिंग डिकोडिंग में जरूरी है। ठीक है, यानी रीजनिंग बिना, इंग्लिश बिना काम चलने वाला नहीं है। तो कुछ नहीं, कम से कम डेली 10 मीनिंग ही याद करते रहो यार। ठीक है, 10 मीनिंग डेली याद करो। मीनिंग याद करने का तरीका, इसे हाथ में लियो, डायरी लियो, लिख लो 10 मीनिंग। अब ये भी मत कर दो कि गो मैंने जाना, कम मैंने आना, 10 मीनिंग हो गया किसी तरह जोड़ जाड़ के। ठीक है, तो ऐसा भी मत करिए। आप उन्हीं मीनिंग्स को याद करिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में अगर आपकी बात करेंगे तो ये चैप्टर प्रैक्टिस पे डिपेंड है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बिकम यू वाइजर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना बुद्धिमान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो द मोर यू बिकम वाइज। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और अगले सेशन में जब हम आएंगे तो अगले सेशन में हम लोग चलेंगे नंबर पर, अंकों की सादृश्यता करेंगे, नंबर एनालॉजी करेंगे। ठीक है, नंबर एनालॉजी करेंगे और इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे एक बार और। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम छोटा लेते हैं और यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास। ठीक है, गणित के लिए आप लोग तैयार रहिए, 15 मिनट बाद गणित के क्लास लोग के प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद एंड हैव अ